हम सलाम करते हैं कि जो भी तरका वाली गांव में उन महान पिताजी और मम्मी को कि ऐसे सपूत को जन्म दिया कि इनके घर पे जो भी आता है वो खाली नहीं जाता, चाहे वो किसी धर्म संस्था से जुड़ा हो। 55 लाख रुपए जोरदार तालियां। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। आपको बता दें कि बाबा रामदेव सेवा सदन 45 सिरसा धर्मशाला जो कि अभी बन कर के तैयार हुई है, नव निर्मित 45 धर्मशाला का शुभारंभ कप्तान मीनू बेनीवाल ने अपने कर कमलों द्वारा किया। आपको बता दें कि कप्तान मीनू बेनीवाल ने इस 45 धर्मशाला के लिए 56 लाख रुपये की सहयोग राशि पहले ही इस 45 धर्मशाला के लिए भेंट कर दी थी और जैसे ही ये 45 धर्मशाला बन करके अब तैयार हो रही है तो कप्तान साहब ने इस भवन का शुभारंभ किया है और उन्होंने कहा है कि आने जाने वाले यात्रियों के लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए 45 धर्मशाला बड़े स्तर पर विकसित हो रही है। इसके विकास के लिए तीसरी मंजिल पर 10 कमरे और बनाए जाएं और कप्तान साहब ने यूँ कहा जाए कि 10 कमरे और दिए हैं और इस मौके पर आसपास क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग, सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य मौजूद रहे। देशबंधु बेनीवाल ने कप्तान मीनू बेनीवाल का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसा दानी सजन हमने पहली बार देखा है कि जिसके दर पर कोई भी जाता है वो खाली हाथ नहीं आता। कप्तान साहब ने वास्तव में इस 45 धर्मशाला को बनाने के लिए अहम योगदान दिया है। देशबंधु बेनीवाल ने आगे और क्या कहा वो तमाम बातें आप सुनिए। कोई चीज किसी भी तरीके की कोई लालच है, भाई जो दान कर रहा है वो गौशाला के अंदर और धर्मशालाओं के अंदर और कन्याओं के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए और मेडिकल सुविधा के लिए जो कार्य इस इंसान ने किए हैं वो सराहनीय है। और मैं तो एक बार फिर कहूंगा कि जो 45 एरिया है उसके अंदर कोरोना की महामारी आई थी, बड़ी जबरदस्त महामारी थी। हम तरस रहे थे कि गैस का सिलेंडर मिल जाए या डॉक्टर हमें मिल जाए, कहीं ना कहीं सरकारी हॉस्पिटलों की जो व्यवस्था थी वो बड़ी ही चरमाई हुई थी। भाई ने बहुत ही जल्दी सभी हॉस्पिटलों के अंदर, हमारे जो नियर बाय लगते हैं उनके अंदर सुविधाएं दी और बहुत अच्छा अपनी तरफ से सहयोग किया। और आज जाके अगर उन सरकारी अस्पतालों में हम बैठते हैं, अरे वो सिस्टम जो है वो जमायो जतायो। आज हमारे एरिया का जितना भी लोग है मैं सुविधा को बड़ो लाभ उठाने लग रहा है। आ कोई बटपणगिर बढ़ाई की बात को नहीं है, छोटे घरों उठ के बहुत बड़ो काम करे हुए है। मैं धर्मशाला खातर गया एक छोटी सी बात लेके, जमीन तो ले ली, जमीन लेने के बाद में चलो 35-36 लाख में जमीन ली। लेने बाद के मैं कह चीज हुई चलो ताला कप्तान जी कंताला सागे मेंबर बनावांगा और सागे की 5-25 रुपया लेके आवांगा। तो माने बढ़ जाके बैठ गया, मैं हमारा कमेटी का सदस्य 1500 आदमी हमें बह बिठा लिया। माने साथ आई इनू नवलाल जी सरपंच के नाम लेगा सर, आपने मोटे पनी आ रही हूँ मैं आ गया। तो भाई ने बोलिया भी सरपंच एक रहा तू सारे बैठे हटा हटा गए आगे साग मैं बात करनी है। तो मैं कह रहा चलो वो ठीक है कि भेजे 11-1 लाख की जगह तक गया गड़ा खुल गया। हमें तो उम्मीद लेके सारे सच्चाई बताऊँ बात है आज चीज की। तो बैठे बैठ के माने बोलो कि नक्शो जो तो नक्शो धर्मशाला की चिंता ना करो, तुम्हारी पिंडी करे थर थर क्यों नक्शो बनवा जाएगा, ढंगी जगह रहे ढंगो नक्शो बनवा दियो तो धर्मशाला भी दूरी रहेगी हमारी। झटके गए सागे माने कोई पैसा नहीं अनाउंसमेंट कौन भी इतना दूंगा या इतना दूंगा, बोले थे जाके धर्मशाला की नीम रखे धर्मशाला शुरू कर दो। मैं अठा आगे जी नीम रख दी धर्मशाला शुरू कर दी, भगवान जाने कल्लम पीसा आता रहा और मैं आगे बढ़ाता गया। मेरा कौन सा कोमन दिया किसन दिया कैसा कितो गए कितो बनाए गए हर एक जगह नमा। तो आज तिथि सी है हमारी अठाई माँ का, आज धर्मशाला का माँ मैं 500 आदमी भी अगर आज इकट्ठा तो मैंने लंगर खुआस का
रहने की राजनीतिक व्यवस्था है, वित्तीय व्यवस्था करा किया सारी की सारी जी मेहरबानी है। वो 45 के लोगों की भी मैं अशुता को मानू माने वहां भी बहुत सहयोग करे माने कणक किलो गाला कुटल गाला तो बट ये भाई को हाथ है ऊपर है कोई डर बैक होनी चीज का मां काल का वो तीसरी मंजिल में को तीसरी कोनी मारू चौथी बनवा देती है इतना की करवा कोई दिक्कत मैं तो करनी है हाँ करबो करांगा 13 दिशा निर्देश दिए आदेश दिए माने गौशाला का मां जट्ठे भी गए हुए भट्ठे भी कोई ट्रैक्टर है ट्राली है तूड़ी है की चीज की जरूरत पड़ी है कणी आ गया गरीब ने मांगे है अण बंदा कभी यहाँ कौन देखो कभी तने कट्ठे देना कट्ठे नहीं देना है रही बात कई लोगों के दिमाग में फेंको सब बोलो वोटो राजनीति करे फलानो करे बिगड़ो करे की कौन करे वो समाज सेवा करने खातर पैदा हुए समाज सेवा करे वो आप हमने खुल के कहने लगी बात तो ये चीज उठे कत ही ना कतराइयो जितना भी सरपंच आए जितना भी सरपंच आएगा जितना भी हटा है मान के लगे मानुभा आएगा कामा हूँ चाल के काल मेरी काल में 80 हूँ 100 के बीच में गाड़ियां ही सागे मारे कि नहीं कोई संदेश हो यहाँ कोनी हो बेचे चालना है करना है सारा आपकी मर्जी हूँ इंगे ले रहा है बाद में वो अच्छो लगे सारा ने वो सारा वो लाडलो है हमारे एरिया के मां भी यार बार बार रास्ता में गम में देखे बंग में भी लाडलो है तो फिर एक बार मैं धन्यवाद करूँ थारे सारा को उठे पधारने पर बहुत बहुत है छोटी मोटी त्रुटि देखो फरा ही सामने डाल के मारू कोई गलती होगी हुआ है कि नहीं पटको न पहनाए गए हुआ क्यों ऐसा यहाँ थोड़ा सा कने पी साध पटका लिया गणाई है भाई इन्हें भी ने छोड़ दिया कठी तो मैं लाज जगह बाद में सारा ने करेंगे सारा को बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद है इन्हें हमारे मंत्री बैठे हटा वो बड़ो आशीर्वाद है हमारा ऊपर ई चीज अगर कोई पानी की कोई सीवरेज की कोई लाइट की कोई और चीज की माने कत ही परेशानी को नहीं और एक मैं जरूर कहूंगा कप्तान जी की तरफ भी कहूंगा और कप्तान जी खुद भी माने सारण करेगा जितना भी कार्यकर्ता इन धर्मशाला के मैं शुरू लेके आते हैं जुड़ेड़ा है बांगो बहुत तय दिल धन्यवाद है भंडारो लगाए तो और अब जो 50-60 दिन कार्यक्रम चालन लाग रहे इन मैं भी आगे बैठू अपने 45 आवे गामा मु चक्रमदोरी का भी आवे और गामा का मैं नाम कह लू सारे गामा का ही आवे अब दिन रात एक कर दी अठा आगे जका इतना सारे रोटी पानी की व्यवस्था करके दी है थोड़ी सी अव्यवस्था होगी आंधी आ गई भी बजू भी चीज की माफी दियो एक बार पुण्य फिर बहुत बहुत घणो घणो धन्यवाद कप्तान मीनू भाई बार को अरे ही सेवा करते रहे बल्ली भारत तेरे सागा हाँ जिंदगी भर तेरे सागर रह जा धन्यवाद दस कमरा दिया है तीसरी मंजिल का कप्तान जी घोषणा करिए 10 कमरा तीसरी मंजिल का नीचे को रेल तो काम है जिनको कोई मन चिंता ही कोई धर्मशाला का मां एसी में रहो नॉन एसी में रहो ले तो आ गया हूँ अठे कभी अठन्नी की बात में सीट कौन काटा है आप सारे का मां जाके कह दिया 1100 दे 2100 दे 2100 दे बीस चीज को वेतन नटा को नहीं बी यार चीज को नहीं भाड़े को नहीं मारी धर्मशाला को ना रोटियां भाड़े है ना कलम पाजी तो सारा इलाज करे यार ना इलाज को नहीं ये चीज का वहीं है यार देखो बहुत दूर है और 550 किलोमीटर ताल के आगे हम मंजी को बड़ो आशीर्वाद है बाबा रामदेव जी को बहुत आशीर्वाद है माने अटे कई चीज की आज तक कोई दिक्कत को नहीं कोई सुई खंगी को नहीं हुई तो आम को भी बहुत बहुत मंजी को जितना भी गणमान्य व्यक्ति बैठे है जय जय बाबा रामदेव पीर सागी जय हो।